गंडू मिलिसा के घर हरवी वार्ड नंबर 3 इलाके के लोग पीने के साफ पानी की कमी ऐसा ही परेशान है। पिछले 15 सालों ऐसा ही जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। गंडू मिलिसा के धारोरी वार्ड नंबर 3 में स्थानीय लोग स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण चिंतित है। इस बीच पंचायत धारोरी वार्ड नंबर 3 के स्थानीय लोगों ने मीडिया ऐसा ही बात करते हुए कहा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब पंचायत धारोरी में शोक था तो स्थानीय लोगों को पीने का साफ पानी गमलों में लाना पड़ा, जो गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा अन्याय है। जब उनसे जल सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको नई योजना ऐसा ही पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक गरीबों को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो स्पष्ट रूप ऐसा ही दिखाता है कि गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने वार्ड नंबर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल प्रशासन और जिला प्रशासन ऐसा ही कहा। देखते हैं और यहाँ पर इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इस गांव के लोग ऑफिस में गए थे, हमारे जो यहाँ के फोरमैन साहब हैं उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि यहाँ के लोगों को कम सिक्योरिटी काटी जाए, लेकिन उस दिन भी यहाँ के जिम्मेदार साथी ने यहाँ आश्वासन दिया लोगों को कि भाई आप सिक्योरिटी दे दो, 15 दिन के बाद हम आपको पूरा पैसा वापस देंगे। लेकिन आज तक उन गरीबों को ना ही पानी की कोई नई स्कीम मिली, ना ही वो सिक्योरिटी वापस हुई। यहाँ 45 सिक्योरिटियाँ हैं और 45 सिक्योरिटियों के बावजूद भी आप हालत देख सकते हैं यहाँ पर गरीबों को कैसे तमाशा बनाया जाता है। 10 साल से हमारी स्कीमें जो है अगर हैं तो वो कहाँ हैं। यहाँ हमारा मरना भी हराम हो जाए और यहाँ मातमदारी हो गई, शादी हो गई, तो लोगों को पानी के लिए एक जमगट्ठा बना के पानी के लिए जाना पड़ता है। हमें बहुत अफसोस होता है। हमारी गुजारिश रहेगी हुकूमत से कि यहाँ हम इस आपके चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि यहाँ की आवाम का अजारा जो मुश्किल है उसका जल्द से जल्द हल किया जाए।